मोदी को घेरने के चक्कर में खुद घिर गए पाकिस्तानी सांसद। आखिर दुनिया भर में अपनी कितनी फजीहत कराएंगे पाक के नेता। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री और सीनेटर रहमान मलिक एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान की तरफ से तरह तरह के प्रतिक्रियाएं आ रही है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से लेकर वहां के मंत्री सोशल मीडिया पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ऐसे नेताओं में रहमान मलिक भी शामिल हैं, जो ट्विटर पर कश्मीर मुद्दे को लेकर पीएम मोदी और यूएन के सामने अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन बड़ी गड़बड़ी कर बैठे। दरअसल कश्मीर मामले में भारत को नसीहत देने की कोशिश करते हुए पाकिस्तान के सांसद रहमान मलिक ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में रहमान मलिक ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बयान को साझा किया और अपने ट्वीट में लिखा, ये आपके देश के ही नेता हैं जो कश्मीर में हो रही क्रूरता के बारे में बता रहे हैं। असल में गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि मोदी सरकार ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया। इसके जवाब में रहमान मलिक ने ये पोस्ट किया, हालांकि अब ये ट्वीट डिलीट किया जा चुका है। रहमान मलिक ने अपने इस ट्वीट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया था, लेकिन मलिक ने यूनाइटेड नेशंस को टैग करने की जगह ऊनो गेम्स को टैग कर दिया। फिर क्या था, लोगों ने रहमान मलिक की इसी बात पर जमकर खिंचाई कर डाली। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या रहमान मलिक को यूनाइटेड नेशंस और ऊनो गेम्स के बीच का अंतर भी नहीं पता है। एक ने लिखा, ऊनो गेम्स को क्यों टैग कर रहे हैं। वहीं दूसरे यूजर ने रहमान मलिक को नसीहत देते हुए लिखा, पोकर और यूएनओ पर आप फोकस करें, कश्मीर हम पर छोड़ दें। आपको बता दें कि कश्मीर मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के बाद पाकिस्तान हर जगह से मुंह की खा रहा है। इन सब के बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान से लेकर नेता और अब उसके क्रिकेटर भी कश्मीर को लेकर छाती पीट रहे हैं। वहां के नेताओं की बौखलाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो बात बात पर भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी देने लगते हैं। लेकिन भारत के खिलाफ होने वाला हर वार पाकिस्तान पर ही भारी पड़ता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।